ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਲੌਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੀ

আসসালামু আলাইকুম কি হাল চলছে শাহজাদাও ফিটফাটো امید হ্যাপ সব ওকে হংগে রকে কি রিপোর্ট মে হংগে তো ইয়াহে পে মে ক্লিন পে সফর কর রা থা বাবা জি মুঝে নেহি থা pata ইয়াহে পে bande হে মে নিচে কি taraf আতা হু কে এক নেহি দো নেহি পুরে চার bande nikalde mera team mate dekh kar ghabra jata aur jump kar jata lage hath nok ho jata meri hp aap log dekh sakte ho fir baba ji raja bas ke jo driver hai unki driving kuch bhi nahi mere samne me baba ji sajhe khabbe ho ke inu ko hp te full dimag da istemal karke ke ithe goli nahi pahunch sakdi ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀਓਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਨਾ क्योंकि मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए थी वहां पे जाने के बाद बाबा जी मैं हील वगैरह करता हूँ अब ये एक प्रॉपर स्क्वाड होती है अपग्रेड गन्ने होती हैं इनके पास इनके साथ मेरा लड़ाई झगड़े वाला सीन ऑन हो जाना था अब इसके बाद बाबा जी हील वगैरह करने के बाद मैं वापस लौटता हूँ ऊपर रिज पे सोचा था रुकता हूँ ये बंदे आएंगे इनके साथ वही सीन करूंगा जो ये मेरे साथ करने वाले थे लेकिन नहीं जी वो भी बाज्ज्जत तरीके से निकल जाते हैं और जाके घरों में होल्ड कर लेते हैं अब लास्ट सर्कल वाला सीन है और फिलहाल दोनों टीम्स सर्कल में है मैं भी और एनिमीज भी मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि आप राइट पर पे चले जो और वो बंदे भी सयाने बयाने थे उनको पता था कि अगला सर्कल उन पे नहीं बनना तो दो बंदे बाबा जी क्लीन पे आ जाते हैं और दो इनके घरों में होते हैं अ लिटिल बिट सैंडविच करने की कोशिश कर देते वो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो क्लीन वाले दोनों बंदे मैं नोक कर देता हूँ और वही सीन होता है बाबा जी सर्कल उन बंदों से उठ जाता है अब उन्होंने सर्कल में आना था लेकिन उसके अलावा मैं ग्रनेड वगैरह कराता हूँ चेक कर रहा था कि अभी भी मेरे बाजुओं में ताकत है या नहीं तो थ्रो आपके भाई का पूरा जाता है अब उन बंदों ने बाबा जी सर्कल में आना था और पोर्टल वगैरह उनके पास थे वो पोर्टल लगा के बाबा जी सर्कल के एज में आ भी जाते हैं लेकिन मैं पता नहीं क्यों एड जज्बाती हो जाना मैं ना नहीं जी जाके ही मारने ने यू नो बट आई एम ट्राइंग टू से We are the best. इस आई डी का रैंक होता है तो बाबा जी पे मैं अच्छी सी बंदा ठीक तरीके से बैठ जाता है अब यहाँ पे आने के बाद अंदाजे के मुताबिक मैं ग्रेनेड्स वगैरह करता हूँ लेकिन कोई बंदा नहीं फटता फिलहाल मुझे बंदों की लोकेशन का नहीं पता और आप लोगों ने बाबा जी देखना कि एक गलती एनिमीज की चुटकिया च काम खत्म जैसा कि लास्ट फाइट में भी आप लोग देख चुके थे तो अगर आप एक प्रॉपर स्टैट्स वाले प्लेयर बनना चाहते हो मतलब कि कोई शोखा शाखी नहीं प्रॉपर गेम जो खेलनी होती है सीरियस होके तो आपने बाबा जी सिर्फ वेट करना है कि इनका कोई एक आधा बंदा गलती करे अब शेल्टर में बाबा जी सर्कल है सामने बंदे हैं इधर हमारी टीम है तो वेट कर रहे हैं कुछ खास हरकत नहीं हो रही बंदे कलीन से जा रहे हैं वेट करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं फाइनली बाबा जी एक ऐसा लम्हा आता है ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਗੋਲੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਯਾ ਇਹ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਥਾ ਅ ਲिटल ਬਿਟ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋੜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ तो लास्ट सर्कल और इंटेंस फाइट्स वाला आप लोगों का रिदम जारी है मैं कहता हूँ इसको खराब ना किया जाए अब सामने बाबा जी पूरे चार बंदे होते हैं और इनको भी पता होता है कि सामने हाउ ब्रांड है तो ऐसे बंदों के साथ जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा चोसम हो जाती है अब पहले हमारी बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट होती है यू नो स्प्रेज वाली अब स्प्रे वाली फाइट यही तक थी क्योंकि सर्कल निकल जाता है वो बंदे भी गाड़ी लेकर आगे चले जाते हैं अब शिजादे और चुंकड़ी वाला सीन ऑन कर लो क्योंकि हम सर्कल से बाहर हैं और सेम टीम बाबा जी सामने नाका लगा के बैठी हुई है इन दो बंदों को मैं राइट साइड पे मार्क लगाता हूं अपने टीमेट को कहता हूं कि आपने छोटे भाई सीधा यहां पे जाना है वो वहां पे और उसका ये नतीजा आता है कि मैं एक नोक निकाल लेता हूँ और सर्कल चलने में अभी पूरा एक मिनट था और वो वारदात डालने के लिए काफी था अब इसके बाद एक बंदा नोक किया एनिमीज की तरफ से लिटिल बिट हलचल हुई होगी बंदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे मैं बाबा जी क्लीन लेके लेफ्ट साइड पे आ जाता हूँ क्योंकि राइट साइड पे मेरा टीम मेट था यहाँ पे आते ही मैं डांसिंग ग्रनेड फेंकना शुरू कर देता हूँ और बंदा लिटिल बिट पैनिक हो के खुद ही सामने आ जाता और मैं इसको गन के साथ नोक कर देता हूं अब पहले वाला बंदा भी नोक सेकंड बंदा भी नोक अब ये टीम टोटली यब में पड़ी हुई है इनको सिर्फ और सिर्फ अपने टीम की सोच है एक बंदे को मैं नोक किया फिर आहिस्ता आहिता क्लोजिंग कर रहा था और नेड और मोलिया मैं कराता जा रहा था क्योंकि कितने भी लग सकती है इसी तरह बाबा यही सीन होता है कि ये जो चौथा बंदा मैंने नो किया था इसने भी सेव हो जाना था पोर्टल के अंदर से लेकिन रैंडम उसे लग जाता है अब अगला पॉइंट ये था कि सेम सिचुएशन थी अगेन मैं अपने टीमेट को आगे भेजता हूँ पीछे से इसको कवर देता हूं और ये मेरा टीम मेट पहुंच गया बाज तरीके से सर्कल में उनके पास एक बंदा मेरा टीम मेट नोकर फिनिश कर देता है अब बारी जी मेरी सर्कल में जाने की सर्कल में मैं भी बाहर इज्जत तरीके से पहुंच जाता हूं और पोर्टल लगा के सीधा छत पे पहुंच जाता हूं कि इतनी देर में नीचे से मेरा टीम मेट रश कर जाता है तो मजबूरन मुझे भी नीचे उतरना पड़ता है अब ये बाबा जी वन वर्सेस टू की सिचुएशन बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट होनी है इन बंदों के साथ इन बंदों के लिए भी जी जी काफ़ी टफ टाइम देते हैं मुझे

ਇਸ ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੰਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਦਾ खैर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने तीन बंदे हैं इनको ओके की रिपोर्ट में आपके भाई ने मार दिया अब इसके बाद गाड़ी लेकर निकल रहा था कि सामने से बाबा जी बग्घी आती है मैं जंप करके इनको उतारने की कोशिश करता हूँ लेकिन इतनी देर में लेफ्ट साइड से स्प्रे आता है एक लैदा टीम बैठी खैर मैं नोक होता हूँ मेरा एक टीम मेट नोक होता है और यहाँ पे नंबर थ्री सिर्फ बचा हुआ है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं मर गया हूँ नहीं यार अभी मैं नोक पड़ा हूँ अब यहाँ पे गाड़ी फटती है और मेरी हेल्थ और जाती है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मर गया हूँ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਘਟੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਮੇਟ ਮੇਰਾ স্মੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਜੇ ਗਰਨੇਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹੌ ਬ੍ਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਾਂਸੇ ਭਾਗਨੇ ਮੇ ਹੀ ਬਚਤ ਸੀ ਵਰਨਾ ਨੇਡ ਸੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਤਾ खैर पोर्टल लगा के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लेकिन तसली नहीं होती पूरे चार और कुत्ते टाइप पर भी होते हैं मतलब के पीछे पैन वाले अब दूसरा पोर्टल क्रॉस करके मैं बाबा जी हीलिंग वगैरह करता हूँ तब तक वो मेरे टीम को फिनिश कर देते हैं अब यहाँ पे आल ओके है सेटमेट हो गया हूँ मैं और पोर्टल के कवर में खेलने का सोचा था लेकिन टाइम थोड़ा रह जाता है और इतनी देर में बाबा जी एक बंदा आ जाता है और लेफ्ट साइड से बंदे डैमेज लैदा से दे देते हैं खैर एक बंदे को मैंने नो कर दिया फिर से हेल्थ किट बाजे तरीके से लग जाती है कोई मुश्किल नहीं फिर से आल ओके आल सेट अब यहाँ पे सामने से बंदा आ रहा है उसको ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੀਗ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਸਜੇਓ ਬੰਦਾ ਖਬਿਓ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉਹਥੇ ਨੇੜ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਯੂ نو ਕੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਬਾਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਨਾ ਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਿਦਦ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਖੈਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨੌਕ ਕੀਆ ਐਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ ਐ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਵਰ ਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੀਕ ਸ਼ੀਕ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਔਨ ਕਰਨਾ ਥਾ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਵਟ ਆਈ ਏਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ